सब्सक्राइब करिए जॉब लगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अकाउंटिंग फ्रेशर, टैली कॉलर, साथ ही साथ प्यून और इसके अलावा कई सारी पोजीशन पर आई है आज की डेट की वैकेंसी। जी दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ आज की डेट की धमाकेदार वैकेंसी आपके शहर की, आपके लोकेशन की। तो गाइज, आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ सारी डिटेल कि कैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन इनमें रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीजें यहाँ पर मांगी गई है, किस तरीके से आप इनका इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, सारी बातें जानेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल joblagi.com सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे पार्ट टाइम इनकम, फुल टाइम इनकम, बिजनेस आइडिया और प्राइवेट सेक्टर की सारी जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी। तो चलेंगे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानेंगे आज की डेट की ये 5 धमाकेदार वैकेंसी की सारी जानकारी। गाइस, बैक ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन आप यहां पर देख सकते हैं कि आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूं कई सारी वैकेंसी। तो गाइस, सबसे पहली जो वैकेंसी है ये आज की डेट की है और अच्छी बात ये है कि बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो कि अकाउंटिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं है और एज एन फ्रेशर जो है प्राइवेट सेक्टर में एंट्री लेना चाहते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 50,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक की सालाना सैलरी है, 0 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और अगर आपको 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली कंपनी का नाम है टेरिजेंट सॉफ्टवेयर और बेंगलोर दिल्ली NCR लोकेशन की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन में इसमें BCOM मांगी गई है और लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी या लोकल लैंग्वेज अगर आपको बेंगलोर की आती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, आपको यहाँ पर काम जो करना होगा ये अकाउंटेंट का काम करना होगा, यानी कि बेसिक कंपनी की जो अकाउंटेंसी होती है वो सारी आपको देखनी होगी। साथ ही में आपकी जो एक रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि आपकी स्ट्रांग वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल शिफ्ट में, यानी कि रोटेशनल शिफ्ट, कभी मॉर्निंग कभी इवनिंग कभी नाइट शिफ्ट में आपको काम जो है वो करना पड़ सकता है। तो गाइज, आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए, अकाउंटेंट फ्रेशर की ये वैकेंसी है और बेंगलोर दिल्ली NCR की लोकेशन की ये वैकेंसी है। सेकंड वैकेंसी की बात करें दोस्तों, जो कि आज की ही डेट की है, बेसिकली ये वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं यहां पर टेली कॉलर के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये अहमदाबाद लोकेशन की वैकेंसी है और 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। कंपनी का नाम है जन्ना स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में बनाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट ही जॉब करें, प्राइवेट सेक्टर की जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं जहां पर सैलरी पैकेज तो अच्छा मिलता ही है, साथ ही में एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी भी आपको मिल जाती है। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है और लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी जो है आपको आना जरूरी है। गाइस, बेसिकली यहां पर आपको जो काम करना होगा ये CRE कम टेलीकॉलर का काम करना होगा, यानी कि आपको काउंटर पे भी बैठना होगा और बेसिकली जो टेलीकॉलिंग का काम होता है वो भी आपको करना होगा, आइडेंटिफाइंग कस्टमर, वैलिडेशन एंड कैश चेक और साथ ही में एक्सेप्ट करना होगा जो एक्यूरेसीज वगैरह है चेक डिपॉजिट की, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, कैश विड्रॉल्स आपको देखने होंगे और फॉरेन करेंसी में भी आपको डील करना होगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है जो कि आपका जन्ना स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में आई है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएट है, साथ ही में आपने जो है BCOM की है या फिर BBA की है या फिर आपको लैंग्वेज में अच्छी खासी इंग्लिश या हिंदी बोलनी आती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और अपना करियर जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक में आज ही बना सकते हैं। इसी की बात करेंगे दोस्तों, जो कि आज की ही डेट की है, बेसिकली ये ऑफिस बॉय, ऑफिस प्यून की वैकेंसी है। जी दोस्तों, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन कम है और आपके पास स्किल्स नहीं है लेकिन आपके जो है आपको पैसे कमाने हैं, प्राइवेट सेक्टर से कुछ अर्निंग करनी है, एक नौकरी चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये ऑफिस बॉय, ऑफिस प्यून, ऑफिस असिस्टेंट की प्रोफाइल की वैकेंसी है। 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपये तक की सालाना सैलरी जो है आपको दी जा रही है, 0 से 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी यहाँ रिक्वायर्ड है। कंपनी का नाम है AKS वेबसॉफ्ट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा लोकेशन की ये वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन इसमें 10th और 12th जो है वो रिक्वायर्ड है। साथ ही में लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी यहां पर आपको आनी चाहिए और गाइज, आपको जो काम करना होगा ये ऑफिस बॉय का काम करना होगा, यानी कि आपको ऑफिस की साफ सफाई, कोई गेस्ट आता है कंपनी के अंदर तो उसको चाय कॉफी जो है वो आपको पूछनी होगी। गाइज, नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे जो कि आज की डेट की है, ये फ्रेशर क्लर्क सुपरवाइजर कंप्यूटर ऑपरेटर ऑफिस की वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर सैलरी
सैलरी जो है 3 लाख से लेकर के 4,50,000 रुपए तक की सालाना दी जा रही है। 0 to 2 years का एक्सपीरियंस यहाँ रिक्वायर्ड है। लोकेशन इलाहाबाद की है और कई सारी यूपी की लोकेशन है जिसमें वाराणसी भी शामिल है। क्वालिफिकेशन इसमें बीई बीटेक मांगी गई है और लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी आपके पास आना जरूरी है। गाइज इसमें काफी सारी वैकेंसी जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर जैसी पोस्ट जो है वो भी शामिल है। तो गाइज अगर आपने बीटेक की है, बीई की है या फिर अगर आपने कोई भी डिग्री ली है ग्रेजुएशन की तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आज की डेट की एजुकेशन काउंसलर की वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी सेल्स अच्छी है, आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपको पता है कि किस तरीके से आपको अपनी चीज एक्सप्लेन करनी है, किसी को कुछ चीज सेल आउट करनी है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप आकाश एजुकेशन एंड सर्विस लिमिटेड में एज एन एजुकेशन काउंसलर अप्लाई कर सकते हैं। जोधपुर लोकेशन की ये वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन जो है वो मांगी गई है। और गाइज आपको काम जो करना होगा बेसिकली एजुकेशन काउंसलर का काम करना होगा, यानी कि आपको कंपनी के जितने भी कोर्सेज हैं वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को सेल आउट करने होंगे, प्रॉपर उनको इंक्वायरी देनी होगी, उनके कोर्सेज के बारे में बताने होंगे और प्रॉपर जो सेल है कंपनी की वो आपको बढ़ानी होगी। तो गाइज आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वैकेंसी आपके लिए बनी है तो आप डायरेक्टली यहां पर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो गाइज ये है कई सारी वैकेंसी आज की डेट की और इनमें से किसी भी वैकेंसी में आपको किसी भी तरीके के कोई पैसे नहीं देने, ना ही joblagi.com ना ही कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी आपसे पैसे चार्ज करती है। गाइज ऐसे लोग जो पैसे चार्ज करते हैं फेक होते हैं, आपको इनसे बचना है, सिक्योरली अप्लाई करना है। तो विजिट कीजिए www.joblagi.com, जा करके आज ही अप्लाई करें। सो गाइज अगर अभी तक आपने अपना प्रोफेशनल रिज्यूमे नहीं बनाया है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी वाटरमार्क के, बिना किसी चार्जेस के www.joblagi.com से अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है, फर्स्टली आपको विजिट करना है joblagi.com और यहाँ पर आप इस पॉइंट पर ये देख सकते हैं ग्रीन बटन जो दिख रहा है ना, ये ग्रीन सिग्नल है आपकी प्राइवेट जॉब का। सबसे पहला स्टेप है ये आपकी प्राइवेट सेक्टर नौकरी का, तो इसको क्लिक करना है, यानी कि मेक योर रिज्यूमे पे आपको क्लिक करना है, इसको क्लोज करना है। देन आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास एक इस तरीके का फॉर्म जिसमें आपको कुछ डिटेल्स जो कि आपकी रिलेटेड होंगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से, एजुकेशनल से, एक्सपीरियंस से और अदर डिटेल्स से। तो गाइज आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, ईमेल आईडी देनी है, फादर्स नेम देना है, सिटी देना है और आपकी अपनी जो फोटो है एक सुंदर सी फोटो, प्रोफेशनल फोटो आपको यहां से चूज करनी है। साथ ही साथ आपको अपना प्रोफेशन बताना है कि किस प्रोफेशन के लिए आप अपना रिज्यूमे बनाना चाहते हैं। देन इसके बाद आपको जो है एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो आपको डिटेल्स डालनी है, जिसमें आपकी ऑब्वियसली बात है कि आपने 10th में क्या किया है, 12th में क्या किया है, ग्रेजुएशन में क्या किया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। देन इसके बाद आपको एक्सपीरियंस बताना है कि आपको कितने साल का जो है वो एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी में आपको एक्सपीरियंस है और अदर डिटेल्स पर फिर आपको अपनी हॉबीज़ बतानी है, अपनी स्किल्स बनानी है। जब आप ये सारी चीज़ें भरेंगे बिना किसी वाटरमार्क के, बिना किसी चार्जेस के www.joblagi.com से फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकेंगे। सो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको आज की डेट की सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी। अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट डिस्क्रिप्शन के लिंक को आपको क्लिक करना है और डायरेक्टली अपना रिज्यूमे कंपनी के एचआर को सेंड करना है। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और हाँ, और अगर आपने अभी तक प्रोफेशनल रिज्यूमे नहीं बनाया तो वो भी आप बना सकते हैं joblagi.com से। तो गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।